नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बड़ी छानबीन की है और केकेआर के लिए बड़े स्टैट्स निकालने पड़े हैं मुझे, और जाहिर तौर पर आप लोगों को बड़ी पसंद आएगी रिपोर्ट कि केकेआर और में जो दो कप्तानों की चर्चा होती है, केकेआर के सबसे सफल कप्तान गौतम गंभीर और इस वक्त जो श्रेयस अय्यर हैं, इन दोनों कप्तानों के बीच में क्या समानताएं हैं। आखिर क्यों श्रेयस अय्यर को ये बात कही जा रही है कि श्रेयस अय्यर गौतम गंभीर जैसी कप्तान बन सकते हैं, श्रेयस अय्यर गौतम गंभीर की तरह केकेआर को चैंपियन बना सकते हैं। आखिर ये बात क्यों कही जाती है, आखिर क्यों, उसके पीछे की ऐसी क्या वजह है कि श्रेयस अय्यर को गौतम गंभीर की तरह माना जा रहा है, दोनों की क्या स्टैट्स हैं, दोनों के बीच में क्या समानताएं हैं, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अपनी इस दिलचस्प रिपोर्ट में। मैंने लिखा है श्रेयस अय्यर वर्सेस गौतम गंभीर, क्योंकि गौतम गंभीर दो बार चैंपियन बना चुके हैं केकेआर को, 2012-2014 आप लोगों को पता होगा। तो अब श्रेयस अय्यर क्या उस रास्ते पर चल पाएंगे और क्यों दोनों को एक तरह से देखा जा रहा है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले मैं श्रेयस अय्यर गौतम गंभीर दोनों के कुछ आंकड़े लेकर आया हूं, आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोग जब देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी कुछ चीजें इन दोनों के बीच में इक्वल है। जैसे मैचेस अगर मैं बात करूं एज ए कैप्टन पहले मैं बात करूंगा, एज ए कैप्टन श्रेयस अय्यर ने 55 मैचेस खेले हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, वैसे 2021 तक के शायद आंकड़े हैं, 2022 इसमें ऐड नहीं है, तो वहां तक 55 मैचेस खेले थे। उसके बाद में उन्होंने 27 मैच विन किए थे और 26 मैच जो है वो लॉस्ट किए थे, मतलब अपनी कप्तानी में 27 मैच जीते थे और 26 हारे थे। कुल मिला के विनिंग परसेंटेज 50.90, मतलब लगभग 51 का विनिंग परसेंटेज श्रेयस अय्यर का है। उसके बाद में अगर रन बताएं एज ए कैप्टन, रन मैं देखूं श्रेयस अय्यर के, तो 1600 रन बनाए हैं एज ए कैप्टन, 1150 लगाई हैं श्रेयस अय्यर ने। अगर मैं बात करूं, अब बात करता हूं गौतम गंभीर की, उसके बाद में कुछ और चीजें बताऊंगा जो इन दोनों के बीच में समानताएं बताती है। अब गौतम गंभीर ने 122 मैच एज ए कैप्टन खेले हैं, 69 जीते हैं, 51 हारे हैं उनकी कप्तानी में। तो गौतम गंभीर का विनिंग परसेंटेज क्या है, 57.43। अब यहां पर दोनों के बीच में एक जो समानता है वो क्या है, वो ये है कि दोनों का विनिंग परसेंटेज 50 से ज्यादा है, और 50 से ज्यादा अगर किसी कप्तान का विनिंग परसेंटेज होता है तो जाहिर तौर पर वो कप्तान अच्छा माना जाता है, बड़ा कप्तान माना जाता है। और गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर दोनों के बीच में समानता है कि दोनों का विनिंग परसेंटेज 50 से ज्यादा। इससे पता चलता है कि गौतम गंभीर अपनी टीम को जिताना जानते हैं, अपनी टीम को मैच में टक्कर देना जानते हैं। अब यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कुल मिलाकर गौतम गंभीर ने 154 मैचेस खेले, 154 मैचेस में उन्होंने 36 अर्धशतक लगाए और 123 का उनका स्ट्राइक रेट था। अब यहां पर अगर मैं बात करूं श्रेयस अय्यर की, 101 मैचेस इन्होंने खेले हैं अभी तक, 19 अर्धशतक लगाए हैं, 125 का स्ट्राइक रेट है। तो कुल मिलाकर अगर इन दोनों में यह भी एक समानता है, ये दोनों एक ही श्रेणी के बल्लेबाज हैं, दोनों मध्यम क्रम के बल्लेबाज रहे, दोनों नंबर 3 नंबर 4 पर खेलते रहे, और ऐसी श्रेयस अय्यर खेलते हैं उसी तरीके से गौतम गंभीर खेलते रहे, दोनों का स्ट्राइक रेट एक ही तरीके का है, 123 का 125, दोनों छक्के, श्रेयस अय्यर तो फिर भी थोड़ा छक्का लगा देते हैं, लेकिन उम्मीद दोनों यही कोशिश करते हैं कि लंबी पारी खींची जाए, लंबा खेला जाए, ग्राउंडेड शॉट खेले जाए, ज़्यादा रिस्क ना लिया जाए। दोनों उसी श्रेणी के बल्लेबाज हैं, गौतम गंभीर की बात करिए या श्रेयस अय्यर की बात करिए। अब दोनों की समानता कप्तानी की क्या है, दोनों की समानता कप्तानी की ये है कि जब श्रेयस अय्यर को पहली बार कप्तान बनाया गया था दिल्ली कैपिटल का, उस वक्त श्रेयस अय्यर ने दिल्ली को फाइनल में पहुंचा दिया था। आप लोगों को याद होगा मुंबई से हारी थी उस वक्त दिल्ली कैपिटल, बड़ी उम्मीदें थी श्रेयस अय्यर की कप्तानी में। उसी तरीके से जब 2011 में गौतम गंभीर को पहली बार कप्तान बनाया गया था, 2011 गौतम गंभीर के लिए बड़ा लकी था, ये वही साल था जब टीम इंडिया ने विश्व कप जीता था, और उस विश्व कप के फाइनल में गौतम गंभीर ने 98 रनों की पारी खेली थी। आप लोगों को याद होगा बड़ा ऐतिहासिक मैच रहा था गौतम गंभीर के लिए, तो वो साल भी गौतम गंभीर के लिए हमेशा यादगार रहा, क्योंकि 2011 में ही गौतम गंभीर को केकेआर की कप्तानी मिली थी। 2011 से लेकर 2017 लगातार गौतम गंभीर ने कप्तानी की, और इन दोनों के बीच में गौतम गंभीर ने दो बार केकेआर को चैंपियन बनाया, 2012 में और 2014 में दो बार चैंपियन बनाया था। अब यहां पर एक समानता जो सबसे बड़ी है वो ये है कि 2011 में गौतम गंभीर को कप्तान बनाया गया था और 2012 में उन्होंने केकेआर को जिता दिया था।
मतलब एक साल बाद। अब श्रेयस अय्यर के साथ भी ये संयोग बनता हुआ नजर आ रहा है कि 2022 में केकेआर ने श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया था और 2023 अब है, तो क्या एक साल बाद श्रेयस अय्यर केकेआर को चैंपियन बना देंगे? जिस तरीके से गौतम गंभीर के साथ वो संयोग था कि एक साल बाद गौतम गंभीर ने केकेआर को कप्तान बनते ही चैंपियन बना दिया था, क्या उसी तरीके से एक साल बाद श्रेयस अय्यर भी केकेआर को चैंपियन बनाएंगे? क्या इस तरीके के संयोग बनते नजर आ रहे हैं, इस तरीके के संकेत क्या नजर आ रहे हैं? क्योंकि टीम केकेआर की बड़ी शानदार है, बहुत मजबूत और दमदार टीम इस वक्त नजर आ रही है। श्रेयस अय्यर कप्तान के तौर पर बहुत मजबूत कप्तान मुझे नजर आ रहे हैं, बल्लेबाज के तौर पर भी। तो क्या केकेआर के साथ वो 2023 में संयोग बनता हुआ नजर आ रहा है कि केकेआर इस बार चैंपियन बन जाए, क्योंकि एक साल बाद ही गंभीर ने जिता दिया था और अब एक साल बाद क्या श्रेयस अय्यर वही कारनामा करने वाले हैं? ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद इन दोनों के बीच में एक समानता है, गौतम गंभीर ने कप्तान रहते हुए या फिर आईपीएल के करियर में कोई शतक नहीं लगाया, गौतम गंभीर कोई शतक नहीं लगा पाए आईपीएल के करियर में। उसी तरीके से श्रेयस अय्यर ने भी अभी तक अपने आईपीएल के करियर में कोई शतक नहीं लगाया है। तो इन दोनों के बीच में एक नहीं कई सारी समानता है। सबसे पहली समानता कप्तानी के तौर पर विनिंग परसेंटेज दोनों का 50 से ऊपर है, उसके बाद में स्ट्राइक रेट लगभग दोनों का बराबर है, उसके बाद में पहले साल वाला जो संयोग मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो भी इस वक्त नजर आ रहा है, शतक का भी संयोग इस वक्त नजर आ रहा है कि दोनों ने अपने आईपीएल करियर में अभी तक कोई शतक नहीं लगाया। गौतम गंभीर तो खैर उनका तो खत्म हो गया, वो तो लगा नहीं पाए, और श्रेयस अय्यर ने भी अभी तक अपने आईपीएल के करियर में कोई शतक नहीं लगाया। उसके बाद में दोनों मध्यम क्रम के बल्लेबाज माने जाते हैं, दोनों के खेलने की श्रेणी एक ही तरह की है और दोनों ने कमाल का प्रदर्शन अपनी कप्तानी में करके दिखाया, बल्लेबाज के तौर पर भी और एज ए कैप्टन भी दोनों ने अपने आप को साबित किया है। तो ये श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर इन दोनों के बीच में समानता है और इसीलिए बात कही जा रही है कि श्रेयस अय्यर गौतम गंभीर वाला कारनामा कर सकते हैं। इसीलिए बात कही जा रही है क्योंकि श्रेयस अय्यर के अंदर वो चीजें नजर आती हैं, वो गुण श्रेयस अय्यर के अंदर नजर आते हैं जो गौतम गंभीर केकेआर के लिए क्या करते थे। जिस तरीके से गौतम गंभीर लगातार 6-7 साल लगभग केकेआर के लिए कप्तान रहे, उसी तरीके से अगर श्रेयस अय्यर भी इतने साल तक लगातार केकेआर के लिए कप्तान रहेंगे तो जाहिर तौर पर श्रेयस अय्यर गौतम गंभीर वाला कारनामा दोहरा सकते हैं, उसी तरीके से केकेआर को चैंपियन बना सकते हैं। तो यह खबर बड़ी दिलचस्प है, आंकड़ों के साथ फैक्ट के साथ मैं आप लोगों के लिए खबर लेकर आता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को खबरें पसंद आती होंगी, इसीलिए इस खबर पर आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि ये संयोग और संकेत जो मिल रहे हैं वो केकेआर को चैंपियन बना सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।